नमस्कार, बीए तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए जो मैंने अंतर्राष्ट्रीय संबंध में तीसरी इकाई शुरू करी थी उसमें एक प्रमुख जो विषय था शीत युद्ध के कारण प्रभाव और उसका जो विश्लेषण था उसके ऊपर पूरी जानकारी देने के बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय गुट निरपेक्षता की अवधारणा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस यूनिट में आपकी इस इकाई में है। आज उसी के ऊपर थोड़ा सा इसका अर्थ और उसका जो इंट्रोडक्शन है वो थोड़ा सा समझाना चाहती हूँ। तो आप इस शब्द से बहुत ही विदित हैं, गुट निरपेक्षता। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो परिस्थितियाँ हमारे सामने आई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में, तो उसके जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप को परिवर्तित करने में गुट निरपेक्षता का जो रोल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण हमने देखा है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की उत्पत्ति का जो कारण है वो कोई सुविचारित या संयोग मात्र अवधारणा नहीं है बल्कि एक सुविचारित अवधारणा है। इसका उद्देश्य जो है वो नए राष्ट्र जो भी एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के स्वतंत्र हो रहे थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके लिए उनकी स्वाधीनता की रक्षा करना और आने वाले युद्ध की संभावना को रोकने के उद्देश्य से इसका इस नीति का निर्माण किया गया था। और गुट निरपेक्ष अवधारणा के उदय के पीछे मूल कारण ये था कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से जो देश मुक्ति पा रहे हैं वो अपने आप को शक्तिशाली गुटों से पृथक रखे और उनकी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखा जाए। ये बहुत बड़ा कारण रहा है कि लंबे औपनिवेशिक जो ये उनके ऊपर स्थापित था साम्राज्य उससे वो ये सारे राष्ट्र मुक्ति पा रहे थे और उनके सामने ये बड़ी विकट समस्या थी कि किस प्रकार से अपने आप को इन शक्तिशाली गुटों से पृथक रखे। तो हम देखते हैं 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में इसका जो पहली जो सम्मेलन हुआ उसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया था लेकिन आज इसकी सदस्य संख्या 120 से भी बढ़कर हो गई है। तो ये कहा जाता है कि यूएनओ के बाद एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली मंच ये उभर कर आया है और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसकी उत्पत्ति का जो कारण है वो उसका जो एक वृतांत है वो ये है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है विश्व हमने देखा दो विरोधी गुटों में बंट गया था, सोवियत संघ और अमेरिका, पूंजीवादी देश और साम्यवादी गुट में बंट चुका था। तो ऐसे में दूसरी तरफ एक चीज़ और उभर रही थी कि एशिया अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देश निरंतर स्वतंत्र हो रहे थे उनके सामने ये एक बड़ी विकट समस्या थी कि किस प्रकार से इन नवोदित राष्ट्रों के सामने ये विकट समस्या थी कि किस प्रकार से इन शक्तिशाली गुटों से दूर रहे और अपनी जो स्वतंत्रता है उसको कायम रख सके। तो ऐसे में वो किसी गुटबंदी में उनका विश्वास उन लोगों का नहीं था, उन देशों का नहीं था और वे चाहते थे कि सामूहिक सहयोग एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करे ताकि ये नवोदित राष्ट्र अपनी समस्याओं का निदान अपने स्तर पर कर सके। किसी प्रकार के दबाव को वो नहीं झेलना चाहते थे और उनका विश्वास था कि वो एक तीसरी शक्ति के रूप में उभर सकते हैं और गुटों से अलग रहने की नीति को ही उन्होंने गुट निरपेक्षता का नाम दिया और यही एशिया के नव जागरण की प्रमुख विशेषता मानी जाती है। 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसने इस नीति का पालन शुरू किया और इसके बाद एशिया के अनेक देशों में इस नीति को अपनी आस्था उन्होंने व्यक्त की और जैसे जैसे अफ्रीका के देश स्वतंत्र होते गए वैसे उन्होंने भी इस नीति पर अवलंबन करना शुरू कर दिया और भारत के जवाहरलाल नेहरू, मिश्र के राष्ट्रपति नासिर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो ने तीसरी शक्ति की इस धारणा को बहुत मजबूत किया। और आपने देखा भी है कि शीत युद्ध के वातावरण ने इसको और गति प्रदान की थी, एक उत्प्रेरक का काम किया था
की गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया गया और वो ये चाहते थे नवोदित राष्ट्र के उन्होंने जो लंबा आधिपत्य औपनिवेशिक झेला है उससे उसके तुरंत बाद ये नहीं चाहते थे कि वापस वो किसी के अधीन बन जाए और इसी तरह का जो व्यवहार उन्होंने अपने साथ देखा वो वापस उनको झेलना पड़े ऐसा वो कतई नहीं चाहते थे। तो ऐसे में उनको तलाश थी कि वे अपना आत्मसम्मान बचाए रख सकें अपने आप को सुरक्षित रख सकें अपने आप को स्वतंत्र महसूस करें। तो ऐसा उनको इस गुट निरपेक्षता की नीति में ये नज़र आया कि हम दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र रीति नीति को अपना सकेंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आपस में तीसरी शक्ति के रूप में उभर करके आपस में ही अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करके अपना अपना विकास कर पाएंगे। तो राजनीतिक दृष्टि से पुनः ये सेटल होना चाहते थे और आर्थिक विकास भी अपना करना चाहते थे। तो इस नीति में ये दोनों चीज़ उनको नज़र आई। तो गुट निरपेक्षता की नीति हालांकि आप देखते हैं पिछले 5-6 दशक से चल रही है लेकिन इसका अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं है, कई भ्रांतियां हैं, लेकिन फिर भी गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाने वाले देशों की संख्या जो जो निरंतर बढ़ रही है, इसके अर्थ को लेकर भी भ्रांतियां निरंतर बढ़ रही है, लेकिन फिर भी गुट निरपेक्षता का मोटा मोटा जो अर्थ जो नज़र आता है वो यही है कि दोनों गुटों से पृथक रहकर अपनी स्वतंत्र रीति नीति को अपनाना। इसके पर्यायवाची के रूप में हम 6 शब्द देखते हैं जैसे अलगाववाद, अप्रतिबद्धता, तटस्थता, तटस्थीकरण, एक पक्षवाद, असंलग्नता। हालांकि ये सारे शब्द एक जैसे मिले जुले हैं, करीब करीब सभी का अर्थ एक जैसा है, लेकिन जो स्वाजन बर्गर ने जो गुट निरपेक्षता का अर्थ बताया उनके हिसाब से ये जो ये मैत्री संधि अथवा गुटों से बाहर रहने की नीति है, गुट निरपेक्षता का सार तत्व उन्होंने बताया अंतर्राष्ट्रीय मामलों में विशेषतः दोनों सर्वोच्च शक्तियों के प्रति जो नीति है उसके संदर्भ में वो नीति और कार्रवाई कि पर्याप्त स्वतंत्रता वो बनाए रखेंगे, उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर इस नीति को कायम रखेंगे। शीत युद्ध से पृथक्करण रहने की नीति ही आप देख सकते हैं गुट निरपेक्षता की नीति है। यह नीति चुपचाप बैठकर तमाशा देखने की नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों और या फिर अंतर्राष्ट्रीय मामलों से संन्यास लेने की भी नहीं है बल्कि इसके अंतर्गत स्वतंत्र राष्ट्रों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करके इस नीति को न्यायपूर्ण ढंग से लागू करना है और सक्रिय भाग लेने की ये नीति है। गुटों से दूर रहने की भी नीति नहीं है। इस जो राष्ट्र इस नीति पर चलता है उसके लिए इन 5 आधार को स्वीकार किया गया है जिसमें पहला है सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, दूसरा सदस्य देश उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, तीसरा सदस्य देश सैनिक गुट का सदस्य न हो, चौथा सदस्य देश किसी भी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता नहीं किया हो और सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने यहाँ किसी भी प्रकार का सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त न दी हो। तो इस प्रकार से ये 5 आधार नेहरू, मार्शल, टीटो और नासिर ने इनको समझाया और विभिन्न राष्ट्रों के लिए ये तय हुआ कि इन 5 आधार को मानना जरूरी है। हालांकि ये एक गतिशील नीति है, आगे हम और जो इसका टॉपिक है उसमें हम पूरी तरह से समझेंगे कि किस प्रकार से ये एक गतिशील और सकारात्मक नीति है। यद्यपि इन 5 आधारों को मानना ज़रूरी है लेकिन परिस्थितियों के अनुसार आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें बदलाव भी संभव है। तो इस प्रकार वे ही देश गुट निरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों और राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हों। दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि एक दूसरे के
विरोधी जो शक्ति शिविर है उनसे दूर रहना, उनसे अलग रहना और युद्ध की विभीषिका को टालना और तनाव को कम करना और शांति समर्थक देश का दर्जा हासिल करना, यही गुटनिरपेक्षता की नीति का आधार स्तंभ है। धन्यवाद।